मित्रों एक रिपोर्ट के मुताबिक धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज की 2 महीने की कथाएं रद्द हो सकती हैं। 2 महीने लगातार गुरुदेव जी महाराज कथा नहीं कहेंगे, नवंबर और दिसंबर। जी हां, साल के लास्ट में महीने 2 महीने में नवंबर और दिसंबर में गुरुदेव जी महाराज कथा नहीं कहेंगे। और इनकी जो कथाएं शेड्यूल थी उस समय, हालांकि उस समय की भाई शेड्यूल नहीं बनी हुई है, तो 2 महीने कथाएं नहीं होने वाली हैं ऐसा सुनने में आ रहा है। क्यों नहीं होंगी, उसके पीछे कारण क्या है, तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ तो जानकारी नहीं है। लेकिन बताया जा रहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री महाराज की 2 महीने की कथाओं में गैपिंग हो सकती है। नवंबर और दिसंबर में गुरुदेव जी महाराज कहीं कथा नहीं कहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, वो धाम पे ही रहेंगे। और कुछ बड़ा कार्य होने वाला है, धाम पे ही कुछ बड़ा कार्य होने वाला है। क्या होने वाला है वो मैं नहीं बता सकता हूँ अभी, लेकिन कुछ आपको हिंट जरूर दे सकता हूँ कि क्या होने वाला है वो 2 महीने गुरुदेव जी महाराज जब कथा नहीं कहेंगे। नवंबर और दिसंबर में क्या होने वाला है, तो नवंबर और दिसंबर में हो यही सकता है कि हाल ही में, अभी आप सभी जानते हैं कि बागेश्वर धाम में कुछ काम चल रहा है, कुछ बड़े बड़े जो है कार्य चल रहे हैं, साथ ही एक मंदिर का निर्माण हुआ है। तो हो सकता है कि उस मंदिर का निर्माण और उसके बाद में भंडारे वगैरह उसमें कुछ काम हो, या इसके अलावा हो सकता है गुरुदेव जी महाराज कुछ इस बीच में जो है पर्सनल कुछ काम करें, या कहीं अंतर ध्यान हो, या फिर जो भी बातें रही हों, या हो सकता है कुछ लोग तो गैस कर रहे हैं कि हो सकता है गुरुदेव जी महाराज इस बीच में शादियों की बातें कर सकते हैं। जी हाँ, बहुत सारे लोग ये अंदाज लगा रहे हैं कि गुरुदेव जी महाराज जो है नवंबर और दिसंबर के बीच में अपनी शादियों की चर्चाएँ कर सकते हैं, यानी कि उनके घर वाले कर सकते हैं। नई शादी होगी तो शादी की बातें होंगी, शादी की जो है चर्चाएं हो सकती हैं, या उनके घर में उनके भाइयों के फिर परिवार में किसी की शादी वगैरह हो, तो कुछ ना कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं, अभी कहा नहीं जा सकता है कुछ। लेकिन हाँ, नवंबर और दिसंबर की कथाएँ जो है गुरुदेव महाराज की स्थगित की जा सकती हैं। अभी ऑफिशियली इसका अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन सुनने में जो आ रहा है, हमें जो जानकारी मिली है वो हम आप सभी के साथ में शेयर करते हैं। जैसा होगा आगे हम डिटेल देते ही रहते हैं, आप सभी जानते ही हैं, हम अपडेट करते रहते हैं। तो आगे की जो कथाएं आएंगी हम आप सभी को जो है सूचित करते रहेंगे। पिछली बार भी लाइव में हमने बताया था 25 अगस्त तक की सारी जो है कथाओं की डिटेल, आगामी कथाओं की डिटेल्स मैंने बताया था। तो हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो हम हमेशा गुरुदेव महाराज के आगामी कथाओं के अपडेट देते रहते हैं। फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर सरकार।